चलो नेक्स्ट कहता है टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो टाइम डिपेंडेंट कैसे वेरी कर रही है वो दिया हुआ। अब हमें ये पता ही नहीं है कौन सी क्वांटिटी है, तो पता ही नहीं है तो जानने की जरूरत भी नहीं होगी, तभी तो नहीं बताया है। वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम, ए कॉन्स्टेंट है टी टाइम है, तो कॉन्स्टेंट ए की डायमेंशनल फार्मूला निकालना। क्या हमें जानने की जरूरत है पी क्या है? नहीं, हम क्यों जानेंगे जब हमें जरूरत ही नहीं है। तो P इज इक्वल टू P नॉट, इस एक्सपोनेंशियल को ऐसे मैं लिख सकता हूँ e की पावर a की t, ये एक्सपोनेंशियल है, e की पावर है, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब e की पावर अगर कुछ भी होता है, आपको पता है log हुआ, ठीक है, e की पावर हुआ, इसके अंदर कुछ भी हुआ, पाई हुआ, पाई की पावर कुछ भी हुआ, ये सब डाइमेंशनल लेस आते हैं यार, मतलब एम नॉट एल नॉट टी है। इसका मतलब ये हुआ e की पावर डाइमेंशनल लेस है, मतलब इसको वन के बराबर कर दूं, एम नॉट एल नॉट टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का डाइमेंशनल फार्मूला 1/T² आ गया, ठीक है, 1/T² आ गया, तो t की पावर -2 डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ a, ठीक है, डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ a डाइमेंशनल लेस है।